जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट रेंज में इस वक्त जो है वो बाज़ार चलता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी की, अराउंड 80 पॉइंट ऊपर जो है वो निफ्टी बंद हुआ है। बट मेजॉरिटी, और आप बोल लीजिए लगभग सारा जो गेन था वो गैप अप के थ्रू ही हमें देखने को मिला था। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं, एक फॉल सेकेंड हाफ में हमें देखने को मिला अगर हम हायर लेवल से देखते हैं तो। और रेंज ब्रेकआउट का जो अपना लेवल था कल, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एग्जैक्टली उसी के आसपास का हाई लगा के पूरे दिन बाजार जो है वो एक रेंज बना के रहा। हालांकि निफ्टी बैंक में फिर भी आप बोलेंगे एक ट्रेडेबल मूव हमें हायर लेवल से अच्छा खासा मिला है, आई थिंक 180 से 200 पॉइंट्स का। बट अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड फाइनेंशियल निफ्टी तो यार लगभग अनट्रेडेबल था, इट वॉज रिडिकुलसली साइडवेज। और ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है कि फाइनेंशियल निफ्टी में अपने को कोई ट्रेंडिंग मूव मिला हो। आप अगर यहाँ पे भी देखो, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहता है, बिल्कुल साइडवेज रहता है, बिल्कुल साइडवेज रहता है। तो फाइनेंशियल्स एज अ ट्रेंड फाइनेंशियल्स में बिल्कुल भी नहीं है। देर आर सम ट्रेंड इन बैंक्स, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा साइडवेज है। आज भी विक्स 3.5% नीचे बंद हुआ है, 10.6 पे दोबारा से आ गया इंडिया विक्स। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी के लिए ट्रेड अवॉइड करिए। और ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस टाइम पे आपको कोई ये बोलेगा, और आप लोग भी हो सकता है रोज़ यही बात सुन के पक गए हों कि यार रोज़ ये आता है वीडियो तो मार्केट के ऊपर बताता है और बोलता ही है कि ट्रेड करना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो यार देखो, इस टाइम पे पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इस वक्त मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर कुछ मेरे को याद दिलाता है 2018 से 19 का टाइम। जो लोग भी मार्केट से फेमिलियर है उनको पता होगा, या पहले से जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, कि उस टाइम पे ना निफ्टी इंडेक्स, इंडिया विक्स, ATR, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साइडवेज रहती थी। मतलब मार्केट में कुछ मूवमेंट ढंग का होता ही नहीं था। उस टाइम पे पैसा कैसे बनता था, आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रैली होती थी, इसका मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स, स्विंग ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी थी, प्लस ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत तगड़ा मार्जिन मिलता था। मतलब 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार में आप एक एक लॉट बेच देते थे, तो उससे जो है वो ट्रेडर्स का खर्चा चलता था। अब तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्होंने मार्जिन ही इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो जो स्मॉल ट्रेडर है या जो वो तबका है जिनके पास बड़ी कैपिटल नहीं है रिस्क करने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आज के बाज़ार में हो रखी है। यार ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे, ग्लोबली क्या सिचुएशन है, क्या बार बार वॉलेटिलिटी हो रही है, कभी पॉजिटिव हो रहा है डाओ, कभी नेगेटिव हो रहा है 100 पॉइंट, क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है, वो होने वाला है कि ग्लोबली इस वक्त क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और क्या सिचुएशन बन रही है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, डाओ कल 400 पॉइंट ऊपर एक बार के लिए फ्यूचर में चला गया था, नैसडैक 170-180 पॉइंट चला गया था। उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से फेमिलियर नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी अपडेट होती है मार्केट से रिलेटेड, कोई लेवल्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, अपडेट वगैरह करते रहता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बाइडन ने, जो बाइडन US के प्रेसिडेंट साहब हैं जो बाइडन, उन्होंने क्या किया है, वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है उनके साथ जो है वो एक डील करी है। उससे क्या होगा कि जो वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री है उसके ऊपर अभी US का जो सैंक्शन लगा हुआ है, आपको पता है वेनेजुएला की हालत किस तरीके की चल रही है, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवरऑल चल रहा है, और इकोनॉमी बहुत ख़राब हालत में है ड्यू टू US के सैंक्शंस वगैरह की तरफ से, बिकॉज वेनेजुएला की तरफ से बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स वगैरह का कारोबार है वो चीज़ें होती थी, ठीक है। तो
वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर जो यूएस के सैंक्शंस हैं अगर वो हटेंगे तो डेफिनेटली ऑयल की जो सप्लाई है वो ज़्यादा आएगी। अभी दिक्कत क्या आ रही थी, एक डर जो बन रहा था कि अगर ये वॉर जो है वो एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर आएगा। उसके बाद कल क्या हुआ, क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छा गिरा। अगर हम देखें कल के दिन, मैं थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम एक बार के लिए लगा देता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ, हायर लेवल से क्रूड में बहुत अच्छी सेलिंग आई, अराउंड 89 के आसपास आ गया। बट अभी भी ये आवरली टाइम फ्रेम पे जो 50 EMA है और S1 है, S2 है, इसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो दिक्कत अपने को यही है कि अभी तक क्रूड में जब तक 89 का बैरियर नहीं टूटता है, 89 के नीचे जब ये जाने लगेगा ना, आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल वगैरह क्लोज करने लगेगा, तब दैट वुड बी द फर्स्ट साइन कि हाँ यार अब क्रूड का जो डर था एक, वो थोड़ा ख़त्म होता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। बट ये चीज़ें जो है वो बार बार जो है वो आ रही हैं। उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने अपडेट भी आपको किया, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि भाई अगर इसराइल जो है वो ग्राउंड इन्वेजन करता है, अभी लास्ट वीक ये जो वीकेंड से पहले आपने इंडिया जो US विक्स है वो 20% बढ़ता हुआ देखा था ना, वो इसीलिए बढ़ा था कि इस वीकेंड पे एक्सपेक्टेड था कि इसराइल जो है वो गाज़ा का ग्राउंड इन्वेजन करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोला कि भाई अभी ना वेदर ठीक नहीं है, वेदर ठीक होगा तो जो एयरफोर्स है उसकी हेल्प जो है वो हम लोगों को मिल जाएगी, तो उसके चक्कर में अभी जो है वो ग्राउंड इन्वेजन टल गया। अब जो बड़ी अपडेट हो रही है, एक तो कल US के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकिन वो वहाँ पे गए हुए थे, प्लस जो बाइडन साहब भी जो है वो वहाँ पे जाके सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे इसराइल को, तो ईरान ने फिर से वार्निंग दी है। एंड देन वो वार्निंग के बाद स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स एक बार के लिए थोड़ा विचलित हुए हैं, डाउ 100 पॉइंट नीचे, नैसडेक 50-60 पॉइंट नीचे आया है। तो देखते हैं, ये अगर आपको वॉर पे नज़र रखनी होगी, देखो इस टाइम पे ना ज़्यादा लॉन्ग साइड में आप एग्रेसिव नहीं जा सकते। हाँ आपको एक दिन जो है वो 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाएगा, देर आर सर्टेन रिस्क, देर आर सर्टेन रिवॉर्ड्स, बट डेफिनेटली इस वक्त जो है ओवरनाइट पोजीशन रखना डबल एज स्क्वाड जो स्वॉर्ड है, अगर सही जगह पड़ गए आपकी, हो सकता है आपका पैसा डबल भी हो जाए, गलत पड़ा तो कैपिटल साफ भी हो सकती है भाई। तो ये प्योर गैम्बलिंग है इस वक्त ओवरनाइट पोजीशन रखना। मानता हूँ इंट्राडे में कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा कम करो, जितना कम पोजीशन रख सकते हो FNO में रखो, मेनली इस वक्त कैश और स्विंग्स पे फोकस करो, जो मेरा वर्चू है काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो अब कल के लिए एक बार के लिए प्लान कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर। देखिए निफ्टी को अगर हम सबसे पहले देखें, आवरली टाइम फ्रेम हमने कल लगाया था, इसमें एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, जो हमारा ये जो एरिया है ना 19850 से 870 का, ये बड़ा सप्लाई का एरिया है, ठीक है। ये आपका जो ये गैप बना हुआ है ना, ये गैप बना था अपना लगभग 20 सितंबर के आसपास, 20-21 सितंबर को ये जो गैप बना था, ये गैप बड़ा सप्लाई का एरिया है, तो यहाँ पे तो कुछ होता हुआ ना अभी के लिए दिखाई दे नहीं रहा है। तो जब तक ये इस गैप एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं करने लगता, आई थिंक 880 आप एक लेवल नोट करके रख लो, अगर 19,880 के ऊपर जो है वो निफ्टी जो है वो सस्टेन करने लगता है, देन हमको एक फ्रेश अप मूव मिलेगा, जहाँ पे धीरे धीरे ही, क्योंकि इंडिया विक्स अगर लो रहेगा तो इंट्राडे तो खैर मूवमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे ही बाजार जो है वो ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, अराउंड 20,060 से लेकर 20,120 तक। बट समहाउ एनी हाउ हम लोग ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं, ये ट्रेंड लाइन अब आपकी कहाँ पे आ गई है, ये ट्रेंड लाइन आ गई है अब आपकी लगभग 770 पे। अगर 19770 हम ब्रेक करते हैं तो हम लोग एक बार के लिए 19650 से 660 की तरफ जाएंगे, और 19660 और 650 अगर टूटता है देन एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट ज़्यादा नीचे नहीं तो भी मेरे हिसाब से एटलीस्ट हम यहाँ तक तो आने वाले हैं, लगभग 19400-450 तक क्या एक डाउनफॉल तो खुल जाएगा अगर बाजार जो है 650 और 660 के लेवल को दोबारा से नीचे की साइड तोड़ता है, तो ये अब थोड़ा हमें देख के चलना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, एक्सपायरी है बैंकिंग की,
और बैंक्स में ना बहुत कल मैंने आपको बोला था एक बड़े लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे। कौन से लेवल्स थे एक बार के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो एक तो ये रेजिस्टेंस आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है, जो 200 EMA है, 200 EMA, ये जो आपको पर्पल लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट कभी भी जो 1 घंटे वाली कैंडल है ना इसके ऊपर क्लोज ही नहीं दे पा रही है। ठीक है, लास्ट टाइम जब इसने क्लोज दिया था आपने देखा एक शानदार अप मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला था, अराउंड 44,500 से ये गया था लगभग 46,200 तक, 2,000 पॉइंट, 1,800 पॉइंट की रैली मिली थी। अभी वही चीज़, वही मूविंग एवरेज हमें रेजिस्टेंस दे रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब तो जब भी 44,600, 44,700 आपके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, 44,700 से लेकर 44,650 ये आप एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो बैंक निफ्टी में मान के चलिए। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग सस्टेन करने लगे तभी आपको एक फ्रेश अप मूव जो है वो दिखाई देगा, जहां तक हम लोग 45,000 और उसके बाद जो है 45,300, 350 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बट ये 44,650 से लेकर 44,700 बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर हम ऑन द डाउन साइड के लेवल्स देखें, थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे, अराउंड 30 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं, और इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी जो है क्रिटिकल सपोर्ट्स हम लोग को ढूंढने होंगे। और क्रिटिकल सपोर्ट क्या है अभी के लिए? अभी के लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है वो है 44,150 के आसपास। ठीक है, 44,150 के आसपास मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। अब आप पूछोगे क्रिटिकल सपोर्ट क्यों है, इधर एक टच पॉइंट था, इधर एक टच पॉइंट था, इधर एक टच पॉइंट था, इधर टच पॉइंट था एंड इधर टच पॉइंट था, तो ये क्रिटिकल सपोर्ट है। तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है देन ही आप जो है एग्रेसिव शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हो। इंट्राडे स्विंग टूटता है, मान लीजिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और इंट्राडे दोबारा से आज का जो लो था अराउंड 44,330 के नीचे ही आने लगता है, आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 44,150, 130 के लिए। बट बड़ा ब्रेकडाउन हमें 44,150 के नीचे अगर ये 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो ही हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं एक बड़े डाउनफॉल के लिए, अदरवाइज हो सकता है दोबारा से लोअर लेवल से हमें बाउंस आता हुआ दिखाई दिए। होपफुली आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।